केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान बीते 9 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। वे लगातार दिल्ली से सटी सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच किसान आंदोलन के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की गई है, जिसमें आंदोलन को हटाने की मांग की गई है। ऋषभ शर्मा नाम के एक युवक ने अपनी दायर याचिका में कहा है कि किसानों के इतनी बड़ी तादाद में जमा होने से कोरोना के सामुदायिक संक्रमण का खतरा बढ़ गया है, इसलिए उनको फौरन हटाया जाना चाहिए। प्रदर्शनकारी किसानों ने रोड बंद कर दिया है, जिससे इमरजेंसी और मेडिकल सर्विसेज भी बाधित हुई है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली में बड़े सरकारी अस्पताल में उपचार करवाने के लिए लोग आते हैं, उन्हें भारी समस्या उठानी पड़ रही है। आपको बता दें, केंद्र सरकार के नए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार 9वें दिन शुक्रवार को भी किसानों के जारी प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने दिल्ली को हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जोड़ने वाले मुख्य मार्ग को बंद कर रखा है, जिसके कारण देश की राजधानी के प्रमुख सीमा बिंदुओं पर ट्रैफिक काफी धीमा है। किसानों के प्रदर्शन की वजह से NCR से दिल्ली आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।